दोस्तों, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते गरीब हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जी हाँ, यह विचार है सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की। आज बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। अपनी कड़ी मेहनत और सोचने की तजुर्बे के कारण न सिर्फ प्रसिद्ध हुए बल्कि आज हर एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया और इसके दौरान उन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल शहर में हुआ। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम एच गेट्स था, जो पेशे से एक मशहूर वकील थे, और इनकी माँ मैरी मैक्सवेल गेट्स थी, जो यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रणाली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर थी। 1989 में गेट्स की मुलाकात फ्रांस की रहने वाली मिलिंडा फ्रेंच से हुई। मिलिंडा उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में एक स्टाफ के रूप में काम करती थी। जब गेट्स ने पहली बार मिलिंडा को देखा तो उन्होंने उसे पसंद कर लिया था। दोस्तों, बिल गेट्स भले ही आम बच्चों की तरह थे, लेकिन वे कई मामलों में अन्य बच्चों से अलग थे। बचपन से ही बिल गेट्स पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज थे। कहते हैं कि एक साल में बिल गेट्स 50 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी वह बोर भी हो जाया करते थे। एक कारण बिल गेट्स को सार्वजनिक शिक्षा देने के लिए 13 साल की उम्र में सिएटल लेकसाइड स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। इनको सबसे ज़्यादा रुचि गणित और साइंस के विषय में होती थी और इन्हें बहुत जल्दी समझ जाया करते थे। स्कूल के दिनों में बिल गेट्स पढ़ाई के अलावा होने वाले नाटक में भी भाग लिया करते थे। दोस्तों, बिल गेट्स के माता पिता चाहते थे कि वह आगे चलकर वकालत में अपना कैरियर बनाए। लेकसाइड स्कूल में पढ़ने के दौरान बच्चों को कंप्यूटर दिया गया। इसी समय बिल गेट्स ने सबसे पहले कंप्यूटर को छुआ और ज़्यादा जानने की उनकी रुचि बढ़ती ही चली गई और घंटों लैब में बैठकर कंप्यूटर चलाया करते थे। दोस्तों, जब बिल गेट्स ने ASR-33 दूर टंकन टर्मिनल और जनरल इलेक्ट्रिक GE कंप्यूटर प्रोग्राम को खरीदा, गेट्स ने 13 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में लिखा और साथ ही DEC-PDP मिनी कंप्यूटर सिस्टमों में बिल गेट्स की बहुत ज़्यादा रुचि थी। केवल 17 साल की उम्र में ही इन्होंने और इनके मित्र ग्राफ और डाटा प्रोग्राम बनाया, जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित था और इसे सुधारने की कोशिश करता था। 1973 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चला और 2 साल के अंदर ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। इसके बाद बिल गेट्स ने इंटेल 8080 चिप का निर्माण किया। यह उस समय पर्सनल कंप्यूटर में चलने वाला गैजेट चिप था। दोस्तों, और इस चिप के निर्माण के बाद बिल गेट्स ने अपनी खुद की कंपनी खोलने की सोची। बिल गेट्स को MITS माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एलिमेंट्री सिस्टम ने उनको इजाज़त दी। दोस्तों, बिल गेट्स और उनके दोस्त ने अपनी जोड़ी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा। दोस्तों, 26 नवंबर 1976 को इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को रजिस्टर करवा लिया गया और बहुत तेज़ी से ही माइक्रोसॉफ्ट बेसिक सभी लोगों को पसंद आने लगा और कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट अपना पहला अल्बुकर्क स्थित ऑफिस को बंद कर दिया और न्यू वाशिंगटन में अपना नया ऑफिस खोला। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना चाहा। गेट्स को इन सब के बीच में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। फिर कुछ समय बाद में 86 DOS के अधिकारी बन गए और बाद में इन्होंने IBM को $80,000 में PC DOS के नाम से उपलब्ध कराया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का विश्व में नाम होता चला गया। दोस्तों, इन सब के बाद 1981 में माइक्रोसॉफ्ट का दोबारा उद्घाटन किया गया और इसके चेयरमैन, निदेशक और अध्यक्ष बिल गेट्स को ही बनाया गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की भी शुरुआत की। साल 1976 से लेकर 2006 तक कई काम ऐसे किए जिससे माइक्रोसॉफ्ट और भी कई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दोस्तों, साल 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का गठन किया और यह विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन था। इस फाउंडेशन का उद्देश्य यह है कि इनके सारी समस्याओं पर ध्यान देना और उनका समाधान करना, जिसे सरकार आमतौर पर नज़रअंदाज करती है। ऐसी समस्या जिनमें कृषि, स्कूल और कॉलेज स्कॉलरशिप आदि की समस्याओं का समाधान करती हो। दोस्तों, साल 2000 तक बिल गेट्स ने $29 मिलियन केवल अच्छे कार्य के लिए दान की दिए और साल 2006 तक लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें बढ़ गई, जिसे देखते हुए बिल गेट्स ने यह घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट को और आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ ही वह दुनिया की सबसे बड़ी गेट्स फाउंडेशन में पूर्ण रूप से काम करेंगे। बिल गेट्स को उनके अनेक काम के कारण कई बार पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, साल 2002 में उनकी पत्नी मेलिंडा और बिल गेट्स ने असहाय, गरीब और जरूरतमंद
की मदद करने के साथ कई तरह के सामाजिक कार्यों के लिए उनको जेफरसन अवार्ड से नवाजा गया। दूसरा, भारत में 2010 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा के द्वारा जरूरतमंद और गरीब की सहायता के लिए संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे चैरिटी फाउंडेशन के लिए भारत द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा, फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा 2010 में माइक्रोसॉफ्ट की सफलता और उनके द्वारा सामाजिक किए गए काम के लिए उन्हें बॉबेर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बिल गेट्स ने कई किताबें भी लिखी जिसमें द रोड अहेड, बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट्स, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक 2022। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान अमेरिका के लोगों को इस महामारी में राहत देने के लिए बिल गेट्स वाशिंगटन को 50 करोड़ दान देने की घोषणा की। बिल गेट्स ने साल 2010 में फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग और दुनिया के अमीर आदमी में से एक वॉरेन बफेट के साथ मिलकर एक समझौता किया कि वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा समाज के विकास के कार्य में लगाएंगे। दोस्तों, बिल गेट्स ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से मिलने के बाद खुद का एक फेसबुक अकाउंट भी बनाया था। इससे पहले उनका कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं था। बिल गेट्स के विचार, वह कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत और लगन से इस प्रकार सफल हुआ कि मैं एक परीक्षा में कुछ विषय में फेल हो गया, लेकिन उनके दोस्त उन विषयों में पास हो गए थे जो आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर हैं और मैं आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं, जब आपके हाथ में पैसा हो तो केवल आप ही भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपका हाथ खाली होता है तो पूरा संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। दोस्तों, बिल गेट्स अभी क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। बिल गेट्स अभी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और अलग अलग प्रकार की कंपनियों में इन्होंने निवेश भी किया है, और साथ ही बिल गेट्स ने 20 अन्य लोगों के सहयोग और मदद से $1 बिलियन में इन्वेस्ट से ब्रेक थ्रू एनर्जी को लॉन्च भी किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।